नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरकाजी से। सरकार की सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में 11 तथा ब्लॉक परिसर में 25 जोड़ों की शादियां कराई गई। इस दौरान चेयरमैन जहीर फारूकी ने सरकार की चलाई जा रही योजनाओं की तारीफ की। विधायक ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के 36 जोड़ों को शादी के बंधन में बांधा और चेयरमैन जहीर फारूकी ने विधायक से पुरकाजी को तहसील बनाने की मांग की। ब्लॉक प्रमुख निशि त्यागी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में सरकार की महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की सराहना की। सभी जोड़ों को 20,000 रुपये का चेक व 10,000 रुपये का सामान दिया गया। चेयरमैन ने मुस्लिम जोड़ों को कुरान शरीफ व हिंदू जोड़ों को गीता भेंट कर एक नई मिसाल पेश की। कार्यक्रम में हरिराम सक्सेना, भरत भूषण कुल्लर, ओपी गौतम, वीरेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो जावेद आलम की खास रिपोर्ट। ब्लॉक परिसर में 25 जोड़ों को विवाह कराया गया। सामूहिक विवाह के अंतर्गत 30,000 का चयन किया गया और 10,000 की सामग्री जोड़ों को वितरित की। बुरगाजी के अंदर आज हिंदू मुस्लिम एकता की एक नई मिसाल कायम हुई है। एक शादी सामूहिक शादी का कार्यक्रम है, सरकार की तरफ से आयोजित है, मुख्यमंत्री विवाह योजना है। उसके अंतर्गत 11 जोड़ों की शादी हुई है, जिसके अंदर 6 हिंदू समाज से हैं और 5 मुस्लिम समाज से हैं। एक ही छत के नीचे हिंदू और मुस्लिम भाइयों की सबकी उनकी शादी हुई है। ऐसा इतिहास शायद पहले कभी देखने को न मिला हो, जिसके अंदर एक ही छत के नीचे पंडित जी ने भी अपने मंत्र पढ़े हों शादी के, और हाफिज़ कुरान ने भी उसके अंदर शादी के निकाह की मिसाल कायम की हो। बेहतरीन कार्यक्रम था, 11 जोड़ों की शादी हुई है। सरकार को बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सरकार इससे पहले ब्लॉक में 25 जोड़ों की शादियाँ कराई, जिसमें सब समाज के जोड़े थे। नगर पंचायत में कितने? नगर पंचायत में यहाँ 11 जोड़ों की तो सब समाज के लिए। सरकार की तरफ से क्या मिला है ना? सरकारी तौर से ये मिला है कि ये योजना सपा बसपा कांग्रेस सबके सामने थी, उनके साथ की थी, मगर वे योजना का लाभ जैसे खुले इस सरकार ने खुला कर दिया है, सबका साथ सबका विकास। जब क्या था उन सरकारों में बसपा सपा में कि लिस्ट बनती थी, वो अधिकारी जनप्रतिनिधि लोग पता नहीं देते थे योजना का कहाँ है। अब सरकार ने क्या दिया? सरकार ने इन जोड़ों की शादियाँ कराने के लिए 20,000 रुपये का तो चेक, 10,000 रुपये का सामान और खाने की व्यवस्था, ये सब चीज़ सरकार ने अपनी तरफ से की है।